आदाब दोस्तों, मैं शराजी और आप देख रहे हैं नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। धनबाद पुलिस को मोटरसाइकिल चोरों के एक गिरोह को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली है। इस सिलसिले में एसएसपी धनबाद श्री संजीव कुमार द्वारा बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया गया। गिरफ्तार पांच आरोपियों के पास से 11 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल और नकली चाबी बरामद की गई है। एसएसपी ने कहा कि उक्त आरोपियों के ऑर्गेनाइज्ड गैंग जैसे अमन गैंग से मिले होने के सबूत मिले हैं और चोरी की गई बाइक का इस्तेमाल आपराधिक घटना को अंजाम देने में गैंग्स द्वारा किया जाता था। पिछले कुछ दिनों से लगातार धनबाद के पूरे क्षेत्र में बाइक चोरी की घटनाएं जो हैं उसको रोकने के लिए हम लोगों ने कुछ विशेष टीम्स बनाए थे। आप कुछ दिनों पहले देखे होंगे कि करीब 7-8 बाइक एएसपी के नेतृत्व में हम लोगों ने रिकवर किया था। बाद में जो पूरा गैंग है, कुछ गैंग के कुछ लोगों को जब प्रॉपरली पीछा किया गया तो एसडीपीओ कतरास बागमारा के नेतृत्व में जो टीम बनी थी उसने कुल 11 बाइक्स को रिकवर किया है, जिसमें हमारा कतरास सबसे इंचार्ज, हमारा राजगंज सबसे इंचार्ज और JSI जिसमें जितेंद्र कुमार, मुकेश कुमार और चंदन प्रधान, ये तीन शामिल हैं। ये लोग इन अफसरों ने काफ़ी मेहनत कर कुल 11 चोरी के बाइक्स बरामद किए हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि एक तो जो इसके क्रिमिनल्स थे वो क्रिमिनल्स धनबाद के नहीं अगल गिरिडीह और बोकारो थाना क्षेत्र के भी थे, जिसको हम लोगों ने दो जो इसमें अपराधकर्मी हैं विनोद राय और विनोद राय को हम लोगों ने नीमिया घाट से पकड़ा है, जबकि परमेश्वर कुमार और कामेश्वर कुमार ये दो अपराधकर्मी जो हैं ये नीमिया घाट से पकड़े हैं, सॉरी नवाडी बोकारो से पकड़े गए हैं, और बाकी दो अपराधकर्मी प्रिंस कुमार और ऋषभ गुप्ता ये कतरास क्षेत्र का ही है। कुल 5 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पता चला है कि ये जो बाइक की चोरी करते थे इसमें कुछ लोगों का जो संपर्क है वो ऑर्गेनाइज गैंग्स विशेषकर अमन गैंग के कुछ मेंबर्स से था। जब भी वो अपराध कारित करने की योजना बनाते थे तो इन लोगों के द्वारा बाइक प्रोवाइड किया जाता था। कुछ केसेस हम लोगों ने उस संबंध में साक्ष्य हमें मिले हैं। बाकी अन्य जो अपराध इनके द्वारा कुछ चोरी के गाड़ियों से की गई है उस संबंध में भी जाँच की जा रही है, क्या इनका उसके साथ कोई संबंध था कि नहीं था। इन कुछ मास्टर कीज़ वगैरह भी मिले हैं जिससे ये लोग गाड़ी चोरी करते थे, और इस पूरे सिंडिकेट में अन्य मेंबर्स के भी कुछ नाम आए हैं, उसका हम लोग पता कर रहे हैं और जल्दी वो लोग भी हम लोग उनको भी गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित कर लेंगे। ये जो सर बाइक चोर अमन गैंग के उससे डायरेक्ट कनेक्ट है या उनके गिरोह के? देखिए, हम लोग ये बताया कि इस संबंध में साक्ष्य मिले हैं कि ये इन गिरोह के कुछ मेंबर्स का जो कनेक्शन था वो कुछ ऑर्गेनाइज गैंग जो संगठित अपराधकर्मी हैं उनके साथ था, एक आध घटना में उसका साक्ष्य मिला है। बाकी अन्य घटनाएं जितनी भी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के द्वारा किए गए हैं उनमें क्या इनका रोल है इस संबंध में हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं, उसमें साक्ष्य मिलने पर आगे भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सर, राजगंज थाना क्षेत्र में अवैध वसूली कर रहे थे पुलिस बल का, वो आप देखा था ड्राइवर की सूझबूझ थी कि 100 नंबर पर डायल किया, उसके बाद उसमें 3 लोग गिरफ्तार, आगे क्या कार्रवाई हो रहा? देखिए, उसमें अवैध वसूली नहीं कहेंगे, लूट कहेंगे, लूट का हाईवे पर लूट को वो लोग अंजाम दे रहे थे। पुलिस अपने आप को पुलिस बता करके स्कॉर्पियो की गाड़ी वो लोग यूज़ करते थे और गाड़ियों को रुकवा कर उससे पैसा जो है जबरदस्ती छीन कर वो लोग भाग जाते थे। तो एक घटना राजगंज में हुई थी, ये लोग कोशिश, इन्होंने फिर तोपचाची में जाकर के संबंध में कोशिश किया, जब 100 नंबर पर ये इन्फॉर्मेशन आया तोपचाची पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पीछा किया गया और जो तीनों अपराधकर्मी को इसमें हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, और जो उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी थी उस स्कॉर्पियो गाड़ी के बारे में उसमें से सारा वो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जो पकड़े गए हैं उनके द्वारा लिया गया है कि उनका क्या मोडस ऑपरेंडी था, कौन कौन उनके ग्रुप में मेम्बर्स थे, पहले कहाँ इन लोगों ने क्राइम किया है। इस संबंध में हम सारे डिटेल्स अभी आपके सामने खुलासा नहीं करेंगे, बस ये कहेंगे 3 अपराधकर्मी को हम लोगों ने पकड़ा है और बाकी जो लोग भी इनसे संबंधित थे वो लोग जल्दी वो हमारे इसमें आ गए हैं, हमारे अनुसंधान में, और उनकी भी गिरफ्तारी हुई। कहाँ कहाँ पे? इसमें से एक धनबाद क्षेत्र का है, 2 बिहार के रहने वाले हैं। सर,
गाड़ी स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो बरामद कर लीजिए। जेल भेज दिया गया तीनों बजे। हाँ जेल भेज दिया गया। सर कांड तोपचाची में हो गई है रात के? हम लोग तोपचाची में घटना कांड दर्ज।